क्या मोबाइल से भी कोरोना वायरस हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे करें इससे बचाव? हाँ, ये बात सच है कि मोबाइल से भी फैल सकता है कोरोना वायरस, इसलिए फ़ोन की स्क्रीन को यूज़ करने से पहले करें साफ। इसके लिए आप एयर टेमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको एंटी पोल्यूशन मास्क या सैनिटाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयर ट्रिमर का इस्तेमाल कैसे करें? कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने गले में एयर ट्रिमर पहनें। ये एक चलता फिरता एयर प्यूरिफायर है और इसकी खासियत है कि इसे पहनने के बाद किसी भी एंटी पोल्यूशन मास्क या सैनिटाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयर टेमर 3 फुट तक की हवा को साफ करने में कारगर है और ये खतरनाक वायुकण को भी आपके पास नहीं आने देगा। इसे पहनने के बाद आपको साफ व ताज़ी हवा ही मिलेगी। एयर टेमर बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। इतना ही नहीं, एयर टेमर में फिल्टर को बदलने का भी झंझट नहीं है। इसे एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। अगर आप भी पॉल्यूशन से परेशान हैं तो इस गैजेट को किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 8499 रुपए है और इसका वजन महज 50 ग्राम है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है, भारत में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में इस वायरस की चपेट में आप ना आए इसका खास ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि मोबाइल फोन के जरिए भी कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने मोबाइल को यूज करने से पहले मोबाइल स्क्रीन को साफ कर लें, क्योंकि मोबाइल को हम दिन में कई बार मैसेज चेक करने या फिर किसी न किसी काम के लिए इस्तेमाल करते ही हैं। इसलिए आपका मोबाइल भी इस खतरनाक वायरस का जरिया बन सकता है। जी हाँ, एक रिसर्च में कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस मोबाइल की स्क्रीन के संपर्क में आता है तो वह स्क्रीन पर लगातार 96 आवर्स मतलब 96 घंटा तक बना रह सकता है। यानी आपका मोबाइल फोन कोरोना वायरस को ज़्यादा समय तक बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए अपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा साफ रखें, पर इस बात का ध्यान रखें कि गलती से भी मोबाइल फ़ोन को साफ करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल ना करें। मोबाइल कंपनियां की गाइडलाइंस के मुताबिक फ़ोन को साफ करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना करें और सिर्फ माइक्रोफाइबर कपड़ा ही यूज़ करें। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।